Bihar Board Class 12th Hindi Book Solution Chapter 4 Ardhanarishwar Subjective Part 4 Shirshak Ardhanarishwar Lekhak Ramdhari Singh Dinkar Janm 23 September 1904 Mrityu 24 April 1974 Nivas Sthan Simria Begusarai Prashn 1 बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? उत्तर: बुद्ध ने आनंद से कहा, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा क्योंकि नारियों को बोध भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न 2: नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? उत्तर: जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवनी निसीमित हो गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। प्रश्न 3: स्त्री उचित गुण क्या है? उत्तर: दया, माया, सहनशीलता एवं ममता, यह सब स्त्री उचित गुण कहे जाते हैं। प्रश्न 4: पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? उत्तर: पुरुष जब नारी का गुण अपना लेता है तो उसकी मर्यादा ही नहीं होती बल्कि उसके पूर्णता की विधि ही होती है। पुरुष और नारी की कोमलता, दया, सरलता जैसे गुण अपने में ले लेता है तो उसके जीवन में पूर्णता का बोध होता है। प्रश्न 5: अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर: अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती की कल्पित रूप है। आधा अंग स्त्री तथा आधा अंग पुरुष का है। एक ही मूर्ति में दो आंखें हैं, एक मई दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं हैं, एक त्रिधुल उठाए और दूसरे के हाथों में चुदिया एवं एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, एक जड़ीदार साड़ी से ढका हुआ और दूसरा बागांबर से ढका हुआ। यह कल्पना निश्चित ही शिव एवं शक्ति के बीच समन्वय दिखने के लिए की गई होगी। प्रश्न 6: यदि संधि की बात कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन की से आप क्या समझते हैं? उत्तर: लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि स्त्री दयाम्य और करुणा का प्रतीक है। इस गुण के कारण नारी विनम्र और दयावान होती है। नारी किसी भी हालत में किसी की हत्या के बारे में नहीं सोचती है और न ही उसमें क्रोध की भावना जगती है। इसी गुण के कारण कहा गया है कि संधि अगर दुर्योधन और कृष्ण के बीच ना होकर गांधारी और कुंती के बीच होता तो यह महाभारत ना होता। पुरुष में क्रोध का गुण होता है जिसमें संपूर्ण के बदले की भावना होती है और स्त्री में संपूर्ण की भावना होती है। दुर्योधन के अधर्म के कारण ही महाभारत हुआ। प्रश्न 7: प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? उत्तर: पुरुषों की मान्यता है कि नारी आनंद का खान है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे उन्होंने नारी को गले लगाया, वे प्रवृत्ति मार्ग है अर्थात जिस मार्ग के द्वारा नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी धकेल दिया है और संन्यास ग्रहण किया, वैसे मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। प्रश्न 8: स्त्री को एरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मानसा होती है?
उत्तर स्त्री को एरन नागिन और जादू करनी कहने के पीछे उनकी मानसा अवहेलना करना है। इसकी इलाज इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे अपनी दुर्बलता नहीं देखे जाते और जादूगर के गुण नारी में कम और पुरुष में ज्यादा होते हैं। शिकार करना तो मुख्य रूप से पुरुष का ही स्वभाव है और कोई स्त्री को इस तरह से नीचे उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। प्रश्न 9। रामधारी सिंह दिनकर लेखक का संक्षिप्त परिचय दें। उत्तर राष्ट्र कवि दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया जिला बेगूसराय में हुआ था। उन्होंने भी तक पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई सीतामढ़ी में सब रजिस्टर के पद पर कार्य किए। 1952 से 1964 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। 1964 से 1965 भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त हुए। 1965 से 1971 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। इनकी 50 कृतियां प्रकाशित हुई, उनमें प्रमुख रूप से ऋषिम रथी उर्वशी अर्धनारीश्वर इत्यादि है। संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए इन्हें राष्ट्र कवि से भी नवाजा गया। प्रश्न 10। अर्धनारीश्वर शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखें। उत्तर रामधारी सिंह दिनकर जी अर्धनारीश्वर निबंध के माध्यम से यह मत लाना चाहते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अर्थात नरों में नारियों के गुण आ जाए तो इससे उनकी मर्यादा ही नहीं होती है। दिनकर का यह रूप कहीं देखने को नहीं। मिलता इसलिए भी दुखी है। उनका मानना है कि संसार में सभी जगह पुरुष और स्त्री है। वह कहते हैं कि नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बाटा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष समझते हैं कि स्त्री के गुण अपना कर वह स्त्री जैसा हो जाएंगे। इस विभाजन से दिनकर दुखी है। यही नहीं, भारतीय समाज को जानने वाले 3 बड़े चिंतकों रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र प्रसाद के चिंतन से भी दुखी है। दिनकर मानते हैं कि यदि ईश्वर ने आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा नहीं किया है तो हम कौन होते हैं। आपसी गुण को बांटने वाले नारी की पराधीनता के बारे में दिनकर जी बताते हैं कि पुरुष ने अपना वर्चस्व जमाने के लिए नारी को गुलाम कर लिया। जब से खेती शुरू हुई तब से पुरुष बाहर तथा नारी को अंदर रखने लगी। पुरुष ने नारी को आगे विलास और आनंद की वस्तु समझकर उपयोग करने लगा। कवि शीर्षक से बताते हैं कि नर और नारी एक समान में दोनों एक सिक्के का पहलू है। जब तक वे दोनों अलग रहेंगे तब तक वे दोनों अधूरे हैं। इसलिए ये दोनों को एक साथ रहकर काम करना चाहिए। बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी बुक सॉल्यूशन चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर ऑब्जेक्टिव पार्ट 4 शीर्षक अर्धनारीश्वर लेखक रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 1। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उत्तर अर्धनारीश्वर। प्रश्न 2। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। उत्तर रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 3। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उत्तर संस्कृत के 4 अध्याय। प्रश्न 4। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है। उत्तर पुरुष और नारी दोनों की। प्रश्न 5। दिनकर किस युग के कवि है। उत्तर छायावादोत्तर युग के।
प्रश्न 6 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था उत्तर सिमरिया बेगूसराय बिहार में प्रश्न 7 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था उत्तर 23 सितंबर 1908 में प्रश्न 8 अर्धनारीश्वर निबंध का प्रकाशित हुआ था उत्तर 1952 में प्रश्न 9 दिनकर की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उत्तर उर्वशी प्रश्न 10 दिनकर की पहली कविता की पत्रिका में प्रकाशित हुई थी उत्तर छात्र सहोदर प्रश्न 11 अर्धनारीश्वर क्या है उत्तर अर्धनारीश्वर एक भारतीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मानचित आदर्श निरूपित देखते हैं प्रश्न 12 दिनकर अर्धनारीश्वर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं उत्तर नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते प्रश्न 13 रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम क्या था उत्तर मनरू देवी एवं रवि सिंह प्रश्न 14 रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ उत्तर 24 अप्रैल 1974 प्रश्न 15 रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था उत्तर श्यामवती देवी प्रश्न 16 रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी उत्तर मिट्टी की ओर काव्य की भूमिका उर्वशी संस्कृत के 4 अध्याय परशुराम की प्रतीक्षा रश्मि रथी अर्धनारी शिवा कुरुक्षेत्र रेणु का प्राण भान इत्यादि प्रश्न 17 दिनकर जी की कविताओं की पहली पुस्तक कौन प्रकाशित हुई उत्तर प्राण भान प्रश्न 18 दिनकर जी की सिद्धि से विद्यालय के कुलपति रहे उत्तर भागलपुर विश्वविद्यालय प्रश्न 19 रामधारी सिंह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है उत्तर उर्वशी प्रश्न 20 रामधारी सिंह दिनकर के नाम के आगे कौन शब्द लगता है उत्तर राष्ट्रकवि प्रश्न 21 दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है उत्तर प्राण भंग प्रश्न 22 मैंने कहा जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है उत्तर भावना प्रश्न 23 पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है किंतु नारी जब पुरुष गुण लेती है तो राक्षसी हो जाती है यह किसका कथन है उत्तर प्रेमचंद्र प्रश्न 24 अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है उत्तर निबंध प्रश्न 25 किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारी शक्ति साधना थी उत्तर गांधी जी ने प्रश्न 26 अर्धनारीश्वर शिवा शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है उत्तर कल्पित प्रश्न 27 निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नारी है उत्तर जूठन प्रश्न 28 युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है उत्तर कुरुक्षेत्र प्रश्न 29 गांधारी थी उत्तर दुर्योधन की माँ प्रश्न 30 अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है उत्तर शिव और पार्वती का प्रश्न 31 प्रेमचंद्र थे उत्तर कथाकार प्रश्न 32 कौन सी कृतिन रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है उत्तर शुद्ध कविता की खोज प्रश्न 33 बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया उत्तर भिक्षुणी होने का प्रश्न 34
पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है? उत्तर, देवता। प्रश्न 35। पुरुष और स्त्री में किस टाइम रूप आज देखने को नहीं आता? उत्तर, अर्धनारीश्वर। प्रश्न 36। अर्धनारीश्वर भारत का एक प्रतीक है? उत्तर, मिथकीय। प्रश्न 37। स्वप्न स्वप्न में सत्य की, पुरुष पुरुष में क्या? उत्तर, नारी। प्रश्न 38। जिस पुरुष में क्या नहीं कि वह कौन है? उत्तर, नारीत्व। प्रश्न 39। पुरुष वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? उत्तर, लता। प्रश्न 40। नर और नारी एक ही द्रव्य की थली कितनी प्रतिमाएं हैं? उत्तर, दो। प्रश्न 41। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ पूरी की थी? उत्तर, पटना। प्रश्न 42। रविंद्रनाथ जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद की चिंता किसके प्रति अच्छे नहीं रहे हैं? उत्तर, नारियों के प्रति। प्रश्न 43। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ इसी दृष्टि से देखती है जिस देश की से अपनी वृक्ष को देखता है? उत्तर, लता।